गई लुटिया, कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। अरे पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूर्णमासी है मौसी, माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है। सूरज को मांगने जा रही थी और क्या? अरे जो बिन मांगे ही तेरा है उसे क्यों मांगने जा रही थी? उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी। अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का। क्या बात है मां, तो अकेले बारिश में भीग क्यों रही है? तू पूछा करता था ना कि मैं तेरे माथे पर राख का टीका क्यों लगाती हूँ, और तू हमेशा यही जवाब देती थी कि वक्त आने पर बताऊंगी। आज वो वक्त आ गया है सूरज। जुल्म को इंसाफ की चक्की में पिसने का वक्त आ गया है। इस राख को गौर से देख बेटा, ये राख कोई मामूली राख नहीं, ये तेरे पिता की चिता की राख है। पिता की चिता की राख? हाँ बेटे, भगवान ने अगर मेरा सुहाग छीना होता तो मैं उसकी मर्जी मानकर उनकी राख को अपना सिंदूर समझकर गंगा में बहा देती। लेकिन तेरे बाप की मौत भगवान की मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए बरसों से इस राख को मैंने तेरे पिता की आत्मा समझकर अपने सीने से लगाए रखा है। उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांग रही है सूरज, बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। पिताजी की हत्या की गई थी? हाँ बेटे, हत्यारों ने अपना पाप छुपाने के लिए तेरे बाप को मौत की घाट उतार दिया। मैं तो उसी दिन तेरे पिता की चिता में जल के मर जाती, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं ताकि तू उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा सके। इसीलिए मैंने तेरी हड्डियों में फौलाद भरा। तेरा बाप तुझसे अपने खून का कर्ज मांगता है, तेरी माँ तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती है। चला डाल सूरज, चला डाल उन जालिमों को, मिटा दे उनका नामो निशान इस धरती से। खून और दूध का कर्ज अदा कर बेटा, खून और दूध का कर्ज अदा कर। कौन है वो जिसने मेरी मां को विधवा किया? कौन है वो जिसने मुझे यतीम किया? कौन है जिसने मेरे
बाप पर तबादुल किया। ठाकुर रघुवीर सिंह। क्या हुआ, तेरे पांव डगमगा गए क्या? नहीं मां, मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम, तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा। मां वो क्या इंसाफ करेंगे जिनके अपने हाथ खून से रंगे हों। तू ये तो जिंदा है। क्यों, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? मुजरिम कितने भी होशियारी करे, सबूत को जमीन की कोख में दफन क्यों न करते? एक न एक दिन उसका गुनाह उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूं। दरबार, ले जाओ इस पागल औरत को यहां से। मां की तरफ हाथ बढ़ा तो काट डालूंगा। खिसक लो बंदू, खिसक लो। सूरज, यही वो तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने मंदिर में चोरी की, पुजारी की हत्या की, और अपना जुर्म छुपाने के लिए इन्होंने मेरे निर्दोष पति को मार डाला। आज भरी महफिल में तुझे अपने जुर्म का इकरार करना होगा ताकि मैं अपने पिताजी के माथे लगे कलंक को मिटा सकूं। कर इकरार वरना सर तेरा धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिता को चोर और हत्यारा कहा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ। अगर तुम्हें अपनी माँ पर गर्व है तो मुझे अपने पिता पर अभिमान है। इनके ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत मैं हूँ। रेशमा, खबरदार, जो आज के बाद मेरा नाम भी लिया, मर गई मैं तुम्हारे लिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निकाल दो इन दोनों को धक्के मार कर बाहर। खबरदार, कोई आगे बढ़ाता हो। 100 सुनार की 1 लोहार की। धर्मा लोहार का हथौड़ा लोहे को सीधा कर देता है। अगर तुम में से किसी एक को भी पड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तुमने तो मुझे चेतावनी नहीं दी थी ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें ललकार कर जा रही हूं। आज से तुम तीनों की जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। अरे जेवरात, ही वो सबूत है जो हम सबके लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हटा दो इन जेवरात को यहाँ से जल्दी से, वरना कानून तो हमारे गले में रस्सी डालेगा ही। लोग भी हमें मार मार कर हमारा मुद्दा बना डालेंगे आपके मुंह में। जेवर कहाँ गए? रघुवीर सिंह, 25 साल तक तुम हमें चूना लगाते रहे और हम चुप रहे धूम दबा के, लेकिन ये मत समझना कि हमारी खामोशी ने हमें कुत्ते से शरीफ इंसान बना दिया है। हम आज भी कुत्ते ही हैं और उतने ही कमीने कुत्ते हैं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? वाह 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 वाह, सारा माल खुद अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो ठाकुर आपके मुंह में? हाँ, अरे इन्हीं जेवरात के इंतजार में तो हमने जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा है, और तुम? मेरी बात का यकीन करो यार, जेवरात मैंने यही रखे थे। अबे ओबड्डे, अभी ये धर्मात्मा की एक्टिंग बंद कर, सीधी सीधी तरह से बता जेवरात कहाँ रखे, वरना। रघुवीर सिंह नाम है मेरा, दोबारा ऊंचे सुर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। ओहो, अरे छोड़ो भी ठाकुर, बच्चों की बातों को बुरा नहीं मानते। हमें अब सोचना यह है कि वो जेवरात आखिर गए कहां। ये रहे जेवर। रेशमा, इन्हें अपने पापी हाथ से छुआ तो। ठाकुर समझा अपनी बेटी को। बेटी है? मत कहिए मुझे अपनी बेटी, अब बाप नहीं राक्षस है। मैं एक चोर की बेटी हूँ, एक हत्यारे की बेटी हूँ। मेरा बाप ठाकुर नहीं, चोर है, खूनी है। ए हज्जा, हमारे रास्ते से इस आग में कूदोगी तो जल जाओगी। इस आग में कौन जलता है सामने आ जाएगा। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि चोर आप लोग हैं, सूरज का बाप निर्दोष था, पापी तुम सब हो। ना बचा तब ना, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ देते हैं आपके मुंह में। ले सिली ओल्ड मैन हमारे खानदान को गुमराह करेगा। ए, बस बहुत हो गया, चलो बंद कर देते दोनों को। चलो चल साले चल।
चल लगा लो, लगा लो, बंद कर दो। ए चले जल्दी। जी आया। इस कमबख्त चीफ को आज ही कुछ होना था आपके मुंह में। जल्दी चढ़ा दो चीफ साले पर। दादी, बेटी, दादी, बेटी मुझे, दादी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ना बेटी, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत कम है, मुझे उस सपेरन के पास ले चलो, जिसका सुहाग मैंने अपने पैरों तले रौंदा था, जब तक मैं उसके चरणों की धूल अपने अहंकारी माथे पर नहीं लगा लेता, मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। मुझे वो ले चलो बेटी, ले चलो। सपेर, सपेर। तुझे इंसाफ चाहिए ना सपेरन, ये ले, उठाओ हंटर और दो हमें सजा, ऐसी सजा दो कि हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति देना इंसान के हाथ में नहीं होता ठाकुर, उसी मंदिर के देवता के पास जा जिसका तू अपराधी है। मैं तो तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं, क्योंकि तू मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं दे सकता, इसका बाप इसे लौटा कर नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी के वो 25 साल जो दुख के अंधे कुएं में बीते हैं, तू उन्हें सुख में नहीं बदल सकता। जा ठाकुर, इंसाफ तुझे आवाज दे रहा है, पहले तो उसका मुजरिम है, बाद में मेरा। जा, वहीं जाकर मांग क्षमा की भीख, क्योंकि तकदीर की अदालत वो है, ये नहीं। इंसाफ वो ही देवता करेगा जहां तूने खून का प्रसाद चढ़ाया था। जा, जा ठाकुर। मेरा इंसाफ तो भगवान करेगा, लेकिन मेरी बेटी का इंसाफ तेरे हाथ में है, इसे अपना लेना, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को न देना। डैडी, उस रात मैंने बड़ी आसानी से तुम्हारे सर का ताज उतार लिया था, लेकिन आज इस काबिल नहीं हूं कि तुम तक पहुंच भी सकूं। मुझे तेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है, मुझे मुक्ति दे दो भगवान, मुझे मुक्ति दे दो।
हाँ।